भारतीय टेलीविजन में पहली बार आप एक ऐसा शो देखने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। मकान खरीदना हो या बेचना, ये जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। आप में से ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा इसमें लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी हम यहां देंगे देश के सबसे बड़े जानकारों के साथ। और यही नहीं, वो सारी सरकारी फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आता है, वो सारी बातें जिससे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली, असर सड़कों का हाल, मेट्रो कहां जाएगी, यानी हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा नटराजन। अंग्रेजी के प्रॉपर्टी शो से मैं बाहर निकलकर अब लाई हूं आपके लिए हिंदी में प्रॉपर्टी इंडिया। और मैं हूं आशुतोष शर्मा। वैसे तो मैं स्टॉक मार्केट की खबरें देता हूं, लेकिन पिछले 5 साल से प्रॉपर्टी बाजार में स्टॉक बाजार से भी ज्यादा गर्मी है। जहां आपका फायदा, वहां मैं। तो चलिए पहले शो में एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। मकान के खरीदारों की समस्याओं का क्या रियल एस्टेट बिल वाकई में करेगा समाधान? करोड़ों रुपए खर्च करके गुड़गांव में आलीशान घर तो मिल गया, लेकिन पानी कब तक मिलेगा? मुनासिब दामों में मुनासिब मकान कहां खरीदें? नोएडा, जयपुर के शहरों में कहां है बेहतरीन प्रॉपर्टी? और ग्राहकों को रिझाने के लिए क्या हथकंडे अपना रहे हैं बिल्डर? एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो देश भर की प्रॉपर्टी पर डालेंगी असर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपने इलाकों में बन रहे हर प्रोजेक्ट की जानकारी डालने का फैसला किया है। इसके लिए सभी बिल्डरों के जमीन के मालिकाना हक, टाइटल, नक्शे, एनओसी और बिल्डरों को जारी नोटिस के सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए अफसरों ने अतिरिक्त सर्वर स्पेस खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ मिलकर आवास के क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला किया है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। NHB इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर होम फाइनेंस कंपनियों को फंड मुहैया कराएगा। इन कंपनियों को इन रियायती दरों का फायदा उन लोगों को देना होगा जो इस तरह के घर खरीदना चाहते हैं। स्टॉक कंपनी ASK प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की मौजूदा आर्थिक वर्ष के आखिर तक रिहायशी मकानों के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। कंपनी का ध्यान खासकर मुंबई, पुणे, दिल्ली, NCR, चेन्नई और बेंगलुरु में मध्य आय वर्ग पर रहेगा। कंपनी ने हाल ही में दिल्ली NCR के डेवलपर ATS ग्रुप के गुड़गांव में बन रहे एक प्रोजेक्ट में 147 करोड़ रुपए लगाए थे। देश में 5000 से ज्यादा बिल्डर हैं। ग्राहकों के हित में राज्यों में नियामकों की नियुक्ति बिल से क्या क्या फायदे होंगे, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले और जब सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है बायर्स और बिल्डर्स के बीच में, वो है कारपेट एरिया की साफ परिभाषा। मकानों को सुपर एरिया के बल पर बेचने पर पाबंदी लगाई जाएगी और अब वो कारपेट एरिया पे ही बिक पाएंगे। बेचने से पहले प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री बहुत जरूरी हो जाएगी। बिल्डर जो है उन रेगुलेटर को देंगे पूरी जानकारी, बिल्डिंग प्लान, पूरा होने का समय जैसी जानकारी, और सारी मंजूरियां मिलने के बाद ही बिल्डर्स निर्माण शुरू कर पाएंगे। पहली बार प्रोजेक्ट लागत का 10% जुर्माना, बार बार जुर्म करने पर जेल तक की सजा हो सकती है। आवास मंत्री गिरिजा व्यास ने हमारी संवाददाता ओइनतोम ओजा सिन्हा को बताया कि सरकार की कोशिश है कि रियल एस्टेट नियामक बिल जल्दी पास करवाने में कामयाब रहेगी। जब तक रेगुलेटरी कोई बिल न हो, रेगुलेटरी कोई वो नहीं हो, तो रेगुलेशन इज अ मस्ट, और उसको उस रेगुलेशन के घेरे में लाना ताकि सब लोगों को मुहैया भी हो जाए और किसी लोगों को इससे नुकसान भी न हो। जितना जिसका देह है वो तो मिल जाए जी। क्योंकि लेने की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितना जिसका देह हो और ये लगे कि इस देश में दो भारत नहीं हो सकते, इस देश के दो हिस्से नहीं हो सकते, गरीब और एक अमीर। आपने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के बारे में भी एक इंडिकेट किया, तो आपको क्या लगता है अभी मॉनसून के पार्लियामेंट सत्र में ये आसानी से पारित हो जाने की कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है, क्योंकि कैबिनेट से भी पास हो चुका है, बहस भी अलग अलग जगहों पर तो हो ही रही है।
तो मैं सोचती हूँ कि कैबिनेट अभी हो जाना चाहिए, पारित इसको पार्लियामेंट के इस मानसून सत्र में। और मैं सोचती हूँ उसको अच्छी तरह से यदि सब लोग पढ़ लें तो उसमें मुझे ज़्यादा दुविधा दिखाई देती नहीं है। फिर भी हम लोगों से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बिल पास भी हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर लें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। चलिए, मंत्री जी का कहना है कि बिल को वो इस मॉनसून सेशन पार्लियामेंट के उसमें ज़रूर पास करवाएंगी, लेकिन बिल्डर्स की जो आपत्तियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास लोग, नाइट फ्रैंक कंपनी के एडवाइजरी हेड गुलाम जिया और रियल एस्टेट कंपनी सीएसजी डेवलपर्स के सीओओ रवि सौंद। गुलाम और रवि, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। सबसे पहले गुलाम ये बताइए, रवि तो हमें बताएंगे ही कि बिल्डर्स को क्या आपत्तियां हैं, और अगर आपत्तियां नहीं हैं तो सबके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो जेल की बात आती है उसको लेके मेरे ख्याल से गुलाम सबसे बड़ी आपत्ति है, इसको रहना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा ही कठिन मुद्दा है, क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करें किसी भी दूसरे रेगुलेटर के साथ, चाहे वो टेलीकॉम रेगुलेटर हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर हो, कहीं पर भी इस तरह का इतना कड़ा व्यवहार या इतनी कड़ी सज़ा, सीधे 3 साल की कैद की सज़ा जो है वो और कहीं नहीं पाई जाती। तो हमारे ख्याल से इसको एक बार और दोबारा देखना होगा। माना कि कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह का एक माहौल ना बनाया जाए कि डेवलपर्स मैदान छोड़ के भाग खड़े हों और हमारे अगले ग्राहक को तैयार घर ना मिल पाए। चलिए, गुलाम ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, जेल जैसी चीज़, और कई बार इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो डेवलपर्स के हाथ में नहीं होती हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं और जेल जैसी चीज़ कुछ ज़्यादा ही कड़क है। लेकिन रवि, और कोई आपत्तियाँ हैं आपको बिल को लेके? आप ये मानते हैं कि बिल ज़रूरी है, एक रेगुलेटर ज़रूरी है? नहीं, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि एक रेगुलेटर लाना जो है ग्राहकों के हित में है, और जितने भी सक्षम डेवलपर्स हैं वो सारे जो है ग्राहकों के लिए ही काम करते हैं। आगे जाके जो डेवलपर्स ग्राहकों के हित में काम करेंगे वो ही लंबी दौड़ इस इंडस्ट्री में कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल आना चाहिए। बिल किस किस्म का आना चाहिए, जैसा कि सभी का ओपिनियन है कि बिल को इतना ना आप सख्त बनाएं कि डेवलपर को काम करने के लिए ही मुश्किल हो जाए। जैसा कि रेगुलेशन आज भी है और उसका सारे अच्छे डेवलपर्स फॉलो भी करते हैं, पर जितने ज़्यादा आप रेगुलेशन लाएंगे उतना ज़्यादा समय उसके अंदर अप्रूवल लेने के लिए लगेगा, जिसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है प्रोजेक्ट बनाने का, उसमें लगता है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी उसकी। तो इसके इतना साधारण नहीं है कि बिल लाने से सारी समस्याएँ हल हो जाएंगी। समस्या का समाधान कस्टमर का तो है ही है, गवर्नमेंट को जो है डेवलपर की भी जो समस्या है उसका भी समाधान करना चाहिए। हम भी जो हैं गवर्नमेंट के क्लाइंट हैं, तो वो नज़र हम पे डाले कि जैसे हम क्लाइंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, गवर्नमेंट भी हमारी समस्याओं का जो समाधान करे, ताकि अल्टीमेट जो समस्याएं एंड कस्टमर की हैं वो कंक्लूड हों।